हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा जो फर्स्ट ग्रेड मैथ्स है उसका बीएससी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के लिए जो बीएससी का पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसका फर्स्ट लेक्चर ही है। डन। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। बीएससी टॉपिक्स। और आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड। तो पहले वो टॉपिक कवर करेंगे जो दोनों में कॉमन हो। ओके, उसके बाद में अपन जो फर्स्ट ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला अपना कर्व इन 2D अपना टॉपिक रहेगा आज का। सबसे पहले बेसिक करेंगे कि भाई बेसिक, क्योंकि अपने को कर्व आएंगे बीच बीच में, क्वेश्चंस के इक्वेशन दे रखी होगी, तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, और इनके जो कर्व की बेसिक इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करती हूँ कर्व इन 2D, उसके बेसिक से क्या क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है। आरपीएच मतलब सीधी सी बात, आरपीएच में कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्वेश्चंस ही बनाएगा, आपको बेसिक से भी कुछ भी पूछ लेता है, तो अपन सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बेसिक देख रही हूँ ये, और आई थिंक इसमें बहुत जो मतलब 5-6 बार या फिर 2-3 बार जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया उनको तो आई थिंक आता होगा, बट मुझे तो नहीं आता था, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैंने भी खुद सीखा है। तो आई होप ये लेक्चर से स्टार्टिंग के आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कर्व इन 2D। डन। आज का टॉपिक रहेगा अपना कर्व इन 2D, मतलब जो 2D डायमेंशन है। सिंगल आपने को पता है, 1D तो क्या होता है, एक लाइन होती है, वन डायमेंशन। इसमें एक रियल लाइन होती है, इसमें सिर्फ 1 -1 -2 ये 0 होता है, 1 2 3 एक ही एक्सिस होती है। ठीक है, 2D में क्या होता है, दो एक्सिस आ जाती है। हमने को पता है 2D में ये वाली दो एक्सिस आ जाती है। तो इससे पहले से मतलब ये अपन जो भी अपना बेसिक रहेगा उसको कवर करेंगे, और उसके बाद में जो हमारी बीएससी की सबसे, उसके बाद में इस बेसिक को कवर करने के बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन वाली, और फिर समाकलन इंटीग्रल, ये दोनों करेंगे। उसके बाद में जो भी बचे हुए बीएससी के टॉपिक हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले जो वक्र है उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन वो लेते हैं, और उसके बाद में इसके ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको कवर करने की ट्राई की है कि अपन क्या क्या करेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो अपन सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रहेगा, इसमें अपन इंट्रोड्यूस ही करवाएंगे कि ऐसा ऐसे टाइप्स हैं, ये हैं, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने को जो अपने आगे हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट करने के क्या क्या 2D में, जो अपने को पता है वक्र कैसे होते हैं, ये वाला 2D में हो गए तो दो इसमें स्वतंत्र चर रहेंगे, ये इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन है किसी वक्र की। मैं एक बार बेसिक देख रही हूँ, फिर नोट्स आप बनाना चाहो तो कुछ पॉइंट्स नोट कर लेना। ये कोई वक्र है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल 0। ठीक है, तो इस वक्र का इसमें क्या 2D में है तो अपने पास क्या होंगे, दो स्वतंत्र चर होंगे, राइट। 2D में है तो दो तो होंगे ही, कंफर्म है ये। और इन 2D में जो वक्र होता है उनको दर्शाने के या प्रेजेंट करने के, देखो जैसे अपन ने बहुत सारे वक्र देखे हैं, इसमें कोई इक्वेशन था एफ एक्स कोमा वाई इक्वल 0, जैसे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन भी आती है वक्र की अपने पास, या फिर आर कोस थीटा y को x इक्वल आर कोस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा,
कोई वक्र दे रखा है जिसकी इक्वेशन ये है, ऐसे दे रखे ना, वक्र ये है जिसकी इक्वेशन ये है, इक्वेशन आगे से स्टार्ट होता है, या फिर अपन कैसे देखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल कोई अपने को वक्र दे रखा है लाइक उसकी इक्वेशन है एक्स इक्वल, जैसे इक्वेशन ऐसे दे रखा है, इक्वेशन स्टार्ट हो रहा है एक्स इक्वल वक्र एक्स इक्वल ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू ए टी, कोई वक्र दे रखा है उसकी कंडीशन सपने को आगे दे रखी है, डन। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होते हैं जिसमें अब अपने को नहीं पता कि ये वक्र क्या है, ये वक्र क्या है, ये वक्र क्या है, इसमें आर थीटा क्या है, तो अपन क्वेश्चंस को आगे हैंडल नहीं कर पाते, डन। करने को तो कर लेते हैं बट अपने को बेसिक नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2D में वक्र कैसे कैसे टाइप से अपन जो वक्र कर्व होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसके 5 मेथड है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसको अपन जनरली देखेंगे, और एक दो मेथड और भी हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसको भी अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो इनके डीप में नहीं जाएंगे अभी, तो सिर्फ अपन देखेंगे कि पहला अपना जो मेन टॉपिक रहेगा आज का वही है कि द्विविम में वक्रों का ठीक है अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में भी आपको पता लग जाएगा कि अपने को क्या क्या नहीं आता था। तो वक्रों को परिचय करवाने के लिए पहले मैं सबसे पहले इनके नाम बता देती हूँ, अपन कौन कौन से मेथड पढ़ेंगे या फिर कौन कौन से वक्र पढ़ेंगे टाइप पार्थिन निर्देशांक में, आई थिंक आपको ध्यान में भी होगा, सुने हुए होंगे। पहला अपना टॉपिक रहेगा कार्तीय निर्देशांकों में, फिर दूसरा रहेगा प्रांशलिक निर्देशांकों में, वक्र। थर्ड अपना टॉपिक रहेगा ध्रुवीय निर्देशांकों में वक्र, ठीक है। और चौथा रहेगा नेज निर्देशांकों में वक्र, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अधिक निर्देशांकों में, ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें अपन वक्र पढ़ेंगे कैसे कैसे टाइप, कौन से निर्देशांक में वक्र का टाइप क्या होता है, ठीक है। तो अपने को पता है सबसे पहले इसका नॉर्मली बेसिक अपन इसका थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं कि कार्तीय निर्देशांकों में क्या होते हैं, टाइप के वक्र होते हैं, इसमें निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं स्वतंत्र चर, ठीक है, कॉन्स्टेंट, और ये अपन देखते हैं, जनरली देखते हैं ये वाले। फिर इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पैरा सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक को इंग्लिश में, और प्रांशलिक निर्देशांक को पैरामीटर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और ये जो ध्रुवीय है उसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या नेज को इंट्रेंसिक बोलते हैं, और पदिक को पैडल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो रही बात ये दोनों स्वतंत्र चर होते हैं किसमें, कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक में दो स्वतंत्र चर होते हैं, उनके फॉर्म में ही अपन वक्र को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा सा डीप जाएंगे, उसके बाद में मतलब बहुत ज्यादा डीप भी नहीं, थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट है प्राचलिक निर्देशांकों में वक्र कैसे देखते हैं, अपन को पता है प्राचलिक में एक प्राचल होता है, प्राचल क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे आराम से, और ये दोनों जो होते हैं ये इसी प्राचल के फंक्शन होते हैं, ओके, मतलब इस टाइप की इक्वेशन आती है इसमें, इस टाइप की इक्वेशन आती है, ये ध्यान में रखना है अपने को। अब ध्रुवीय निर्देशांकों में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर और थीटा होते हैं, जहां पर आर क्या होती है, आर और थीटा इक्वल सी, जहाँ आर क्या होती है जो ध्रुवीय दूरी होती है, जो बिंदु की जो ओरिजिन होता है अपना ओरिजिन को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु से उस पॉइंट की दूरी वो क्या होती है, आर होती है।
और थीटा उसके एक्सेसिस जो उस बिंदु पर किसी रेखा स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया धनात्मक दिशा में कोण, मतलब जो एक्सेसिस से किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण होता है थीटा। डन। के बाद में नए निर्देशांकों में क्या होता है, ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं एस और साई। साई होती है चाप की लंबाई और एस होता है चाप की लंबाई, और यहाँ पे साई होती है स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। नहीं, यहाँ पे थीटा होता है जो पॉइंट होता है ना उसके द्वारा उस पे उसके ऊपर स्पर्श रेखा, बात वही होगी स्पर्श रेखा से। ठीक है, डन है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, एस और साई बताया। एस और साई क्या, यहाँ पे एस क्या होता है चाप की लंबाई होती है और साई वही एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। और नेक्स्ट होता है पेडल इक्वेशन, जो पेडल कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें से होता है आर और पी, जहाँ पे आर क्या होता है भाई सेम जिसमें आर ये होता है ना ये वाला आर, इसमें दो तीन निर्देशांकों में जो आर थीटा वाला आर होता है वही सेम यहाँ पे आर होता है। और पी क्या होता है जो मूल बिंदु होता है, ये कोई वक्र है मूल बिंदु है ये वाला, उस वक्र के किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा द्वारा जो एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब होता है, स्पर्श रेखा पर ये जो लंब डालते हैं इसकी लंबाई क्या होती है, पी की वैल्यू होती है। डन। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक यही याद रखना है अपने को कि जो अपना कार्तीय निर्देशांक होता है उसमें एक्स और वाई क्या होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं प्राचल कार्तीय में, वो प्राचल में टी के फॉर्म में होता है, एक प्राचल होता है जहाँ पे टी प्राचल है, एक्स और वाई दोनों ही क्या है टी के फंक्शन होते हैं, ध्रुवीय में आर और थीटा निर्देशांक होते हैं, नेइस निर्देशांकों में एस और साई होते हैं और पेडल में आर और पी होते हैं। अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान में भी रखना है कि आर और पी क्या होते हैं। डन, यहाँ तक इतना ही। अब इसको डिटेल में वन बाई वन पढ़े, पढ़ने से पहले एक जो यूजुअली सिर्फ एक जगह अपने काम आएगा, एक निर्देशांक और बच गया जिसको अपन बोलते हैं छठा मान लो, ये इतना काम में नहीं आएगा, इसका नाम होता है स्पर्श, देखिए स्पर्श एवं रेखीय, स्पर्श रेखीय एवं ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, नेक्स्ट छठा होगा जिसको सिर्फ अपन एक जगह यूज करेंगे, जो अपना कर्वेचर वाला टॉपिक आएगा ना उसमें ही यूज होगा ये, बाकी इसका और कहीं यूज नहीं होगा। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, पी और साई, मतलब पी तो ले लिया इसने पैडल वाले का, पी यहाँ से पी उठा लिया और साई इससे उठा लिया, ठीक है इक्वल कॉन्स्टेंट। इसको सिर्फ अपन एक तो क्वेश्चन आएंगे इसके, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये हो गया अपना बेसिक बेसिक, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था अपना, निर्देशांक थे उनमें वक्र कैसे 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 मतलब अपने को दिखेंगे। अब ये सबसे पहले अपन कार्तीय निर्देशांक को लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपने पास वही देखते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट है अपना कार्तीय निर्देशांक, तो कार्तीय निर्देशांक में अपने को पता है दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। डन। ओके, जैसे इस पे इसमें मैंने कोई वक्र ले लिया, मेरे पास ये एक वक्र है, ठीक, वक्र को भी मैं ऐसे ऐसे करते हैं। चलो ये नहीं ले रही है, ठीक है ये एक वक्र है मेरे पास। ओके, जो एक्स कार्तीय निर्देशांक में है अपने को पता है ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है वाई एक्सिस। डन। अब इसमें क्या होगा, ये कोई बिंदु मैंने पी ले लिया यहाँ पे, डन, कोई बिंदु पी है। ओके, तो इस बिंदु P की x एक्सिस से लंबवत दूरी ये वाली,
और बिंदु P की y एक्सिस से लंबी लंबवत दूरी, या फिर ऐसे मान लो बिंदु P P से मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल लिया, ये पॉइंट हो गया अपने पास M, ये हो गया N, जो वाई एक्सिस पे लंब डाला उसका N दे दिया मैंने, ठीक। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, P से M पे डाला गया लंब की लंबाई कितनी होगी, y, ये वाई एक्सिस मैंने मान लिया y, क्योंकि ये यही तो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी मान ली मैंने, y मान ली, और इधर जो P और N के बीच के जो लंब P और N है, इसकी दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी x एक्सिस है तो मैंने इसको मान लिया x, ओके, इसको मान लिया अपन ने x। तो जहाँ पे ये y तो क्या होता है, मतलब PM की लंबाई जो बिंदु P से x एक्सिस पे डाला गया लंब है, उसकी लंबाई को तो क्या बोलते हैं, कोटि, याद रखना ये दो वर्ड, इसको बोलते हैं कोटि। और बिंदु P से प्राचीन निर्देशांक में वाई एक्सिस पर डाले गए लंब की लंबाई को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, डन। या इंग्लिश में बोले तो इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं और भुज को बोलते हैं एक्सिस, ओके। तो ये दो बात होगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, PM क्या है यहाँ पे, ये P है ये M है, ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट M है। बिंदु P से एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब, और PN क्या है, बिंदु P से वाई एक्सिस पे डाला गया लंब, डन। और इनकी लंबाई एक्स और वाई बता दी मैंने, तो यहां से इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, पहले क्या आएगा, जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है वो वाली, मतलब ये वाली डिस्टेंस पहले एक्स एक्सिस की, फिर ये वाली, मतलब पहले आएगा भुज और बाद में आएगी कोटि, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का नो कोऑर्डिनेट, पहले भुज फिर कोटि। तो कोई भी वक्र कार्तीय निर्देशांक में कैसे बताएंगे कि उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन या वो कार्तीय निर्देशांक की फॉर्म में लिखा गया है, तो उसके लिए अपन एक बात, ये जो मैं बोल रही हूँ ये ध्यान से सुनना, कि किसी भी वक्र का प्रत्येक बिंदु, किसी भी वक्र का प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, किसी भी वक्र के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक यदि इस फॉर्म में लिखे हो, ठीक है। यहाँ पे भुज क्या है, वाई एक्सिस से दूरी, और कोटि क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, इस फॉर्म में लिखे हो तो वो क्या होगा, वो वक्र कहलाएगा, किसमें, कार्तीय निर्देशांक में निरूपित कहलाएगा, ओके, प्रदर्शित या जो भी बोल रहे हैं, कार्तीय निर्देशांक की फॉर्म में कहलाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हुआ, और अपन ने देखा कि ये जो P है इसकी डिस्टेंस, ये जो P वाला पॉइंट है अपना, इसकी डिस्टेंस एक्स और वाई से सेम है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि ये P यहाँ पे भी है और ये P यहाँ पे भी, ये दूरी यहाँ पे भी है, मतलब यूनिक है, अपने को सिंगल वैल्यू ही मिल रही है। तो इसमें क्या, एक बात, दूसरी बात कि इस वक्र में, इस कार्तीय निर्देशांक में जो वक्र होता है उसका प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यूनिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो वक्र का समीकरण क्या होगा, कार्तीय निर्देशांक में समीकरण होगा, डन। तो यहाँ से अपने पास दो इम्पोर्टेंट बात मिली, पहले भुज और कोटि वाली, दूसरा इसका प्रत्येक बिंदु इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसको कार्तीय निर्देशांक में निरूपित वक्र बोलेंगे, और दूसरा इसका प्रत्येक जो बिंदु होता है वो यूनिकली होता है, मतलब उसके निर्देशांक एक ही होते हैं, सिंगल ही होते हैं, ना कि बहुत सारे, डन। आगे चलते हैं, कार्तीय निर्देशांक में जो द्विघात की इक्वेशन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके समीकरण देखा है ना, इन 2D,
तो वन बाय वन चलेंगे, और ये 2D में देख रहे हैं, या फिर दो वेरिएबल मान लो, 2D, टू वेरिएबल, तो एक हाथ की इक्वेशन है तो दो में ही होगी। फिर तो सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन होती है, फिर दो चरों की व्यापक द्विघात समीकरण, देखते ही पता लग जाएगा मैं किसकी बात करूंगा आप तक, द्विघात समीकरण क्या होती है, f(x,y) दो दो चरों में है, तो यहाँ से ए x² प्लस, ये अपने को याद करनी है, 2hx,y प्लस ए y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अपने काम में आएगी आगे भी। ओके okay? तो अब इसमें देखो, इसका याद करने का तरीका सीधा सा है, आई थिंक याद होगी ऑलमोस्ट। ये तो एक्स और वाई अपने में इसमें दो 2D में लिया है, तो द्विघात बनाएंगे, एक्स और वाई दो चर ले लिए, ठीक है। तो दो द्विघात बनाने के लिए द्विघात के कौन कौन से पता है, 2 डिग्री वाली कौन कौन से आएंगे, या तो एक्स 2 डिग्री में होगा, या फिर वाई के 2 डिग्री लगेगी, या फिर ये दोनों साथ होंगे तब 2 डिग्री का इक्वेशन 2 डिग्री वाला बनेगा। देखो इसके तीनों यही आ रहे हैं, x² y² और दोनों साथ में है, इनके कोफिशियंट ले लिए, इसका ए ले लिया, इसका 2h ले लिया, और इसका बी ले लिया, डन। अब यहाँ से दो घात के तो बन गए, अब सिंगल क्या क्या बनेगा, दो घात के बाद में जो पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसमें दो के बाद में एक घात वाला, तो एक घात वाला एक तो x आएगा या फिर y आएगा, अलग अलग, तभी तो एक घात का बनेगा। तो ये देखो x और y के कोफिशियंट 2g 2f, और एक सिंगल कांस्टेंट टर्म आएगा, डन, इसको सी ले लिया। तो ये आई थिंक ये इक्वेशन याद होगी होगी, जिसमें एक इसका ए x² y² xy के कोफिशियंट है, और फिर x का कोफिशियंट y का कोफिशियंट ये एक घात में है, और एक 0 घात में होगा, वो कांस्टेंट सी होगा ओनली, डन। तो ये जो 2D ज्योमेट्री में ये जो इक्वेशन है, इससे बेसिक मतलब इस इक्वेशन से ही अपने जो बेसिक क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे, और इस पे जो कॉनिक सेक्शन अपना वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। तो ये वाली क्वेश्चन अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, आगे अपन देखेंगे कि, चलो देख लेते हैं आगे क्या देखेंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो इसके कोफिशियंट से एक सारणिक बनी है, ठीक है, जो सारणिक है वो क्या है, जो ए बी सी है ना, ए कौन है x² का कोफिशियंट, बी कौन है y² का कोफिशियंट, और सी कौन है कॉन्स्टेंट, ये तो है इसके डायगोनल में ए बी सी, डन। और जो एच जी एफ है वो इधर इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर, एच जी एफ, इधर भी एच जी और एफ, तो एक सारणिक बन रही है ये वाली, ठीक है। इस सारणिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये किसकी, इसके गुणांकों की सारणी है, जो अपने द्विघात इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, उसकी गुणांकों की सारणी है, इससे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं अपने आगे, इससे ही बहुत सारे वक्र बनेंगे, कि अपन आगे पढ़ेंगे कि इसमें है ना ये कुछ वक्र, जो ये कोफिशियंट है, इसके गुणांक है, इनके अलग अलग वैल्यू लेने से अलग अलग वक्र मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके सिर्फ दो ही केस बनेंगे, कि या तो सारणिक का मान क्या होता है, सारणिक की डिटरमिनेंट या तो 0 हो, या इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, दो ही केस बनते हैं, देन यदि इसकी कोफिशियंट की सारणिक का डिटरमिनेंट 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही बात आएगी यहाँ से, कि इस केस में जब 0 बन जाएगा, तो इस केस में क्या बताएंगे, ये जो द्विघात इक्वेशन है अपने पास, ये वाली द्विघात इक्वेशन किसके फॉर्म में है, दो रेखाओं के युग्म की फॉर्म को प्रदर्शित करती है, मतलब यदि डेल इक्वल 0, तो ये जो द्विघात इक्वेशन है, तो द्विघात समीकरण है, ये सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करती है,
सरल रेखा युग्म को सिर्फ तभी, मतलब एक अपने पास लाइन, एक स्ट्रेट लाइन तभी आएगी जब इस डेल का, इसके जो कोफिशियंट वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। ओके, बाकी यदि 0 नहीं आ रहा है तो बाकी वक्र बनेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछ लिया कि, और देखो द्विघात इक्वेशन मतलब ये क्या होगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो एक्स वाई और समथिंग कोफिशियंट सी वन और एक्स वाई द्विघात, तो दो फैक्टर होंगे, वो कुछ कोफिशियंट सी, इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। तो ये वाली है, ये इस फॉर्म में कब आएगी, जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए। इसका जो सारणिक का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को क्या बोलते हैं, सारणिक की जो करते हैं ना ये वाला, इसको ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर, मतलब ये डिटरमिनेंट निकालते हैं जो भी बोलते हैं। और देखो इस सारणिक को ध्यान से देखोगे तो ये इधर क्या है, ये इसका, ये तो इसका विकर्ण हो गया सारणिक का, और ये इधर, ये इसके सेम एच है, इधर जी है, इधर भी जी है, और इधर एफ है, तो इधर भी एफ है, मतलब ये सिमेट्रिक सारणिक है अपने पास, सिमेट्रिक है, सममित है। ठीक है, अब यदि डेल इक्वल इस सारणिक की वैल्यू, डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं आ रहा है, तो बाकी अपने को जितने भी बचे वो वक्र मिलेंगे। इस नॉट इक्वल 0 में अपने को सरल रेखा नहीं बन मिलेगी, सरल रेखा का युग्म तभी मिलेगा जब इस रेल की वैल्यू क्या हो, 0 हो, इस सारणिक की वैल्यू 0 हो, सारणिक के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। देखो डिटरमिनेंट का मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये 2, 3, 4, 5, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, 5 गुणा 10, 5 गुणा 2 10, और ये 12, तो -2 इसका डिटरमिनेंट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके इसी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f, 2fy प्लस सी इक्वल 0। सबको पता है, आई थिंक ये देखी हुई होगी सबकी इक्वेशन, ये किस की अर्थ है, वृत्त की इक्वेशन है, सर्किल की। ठीक है, सर्किल की परिधि की इक्वेशन, जहाँ पे वृत्त की इस, ये वाला है, ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ये वृत्त की इक्वेशन है। और ऊपर वाली से अपन कंपेयर करें तो ये सेम ऊपर वाली इक्वेशन से बनी है, जहाँ पे क्या है, ए की जगह 1 है और बी की जगह 1 है और सी की जगह सी है और जी और एफ है ही, सिर्फ एच की जगह 0 है। डन, तो ये वही इक्वेशन है जो वो उसी द्विघात इक्वेशन से बनी है जो जनरल इक्वेशन है। ओके, तो इससे, और ये मैं नोट कर लेती हूँ, जिसको नहीं पता वो नोट कर लो और याद कर लेना, एक वृत्त की इक्वेशन है, वृत्त की परिधि की। कौन से वृत्त की परिधि की, जिस वृत्त का केंद्र क्या हो, माइनस जी माइनस एफ, और इसकी त्रिज्या कितनी हो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जहाँ पे जी क्या है, जो एक्स का कोफिशियंट है उसके आधे का नेगेटिव, और एफ क्या है, वाई के कोफिशियंट के आधे का नेगेटिव। डन, और यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है। तो उस वृत्त की परिधि की इक्वेशन है जिसकी केंद्र है माइनस जी माइनस एफ और त्रिज्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डन, सेम दूसरी इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, देखो तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, और ये भी वही इसकी इक्वेशन, ये तो पता ही होगी, जो इसको ये नहीं पता उसको एटलीस्ट ये तो पता ही होगी, ये उस वृत्त की इक्वेशन है, वृत्त की परिधि की इक्वेशन है, जिसका केंद्र तो कौन है, ये समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या क्या है आर,
डन। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये दोनों इक्वेशन किससे बनी है? जो जनरल इक्वेशन थी उसी से बनी। ये वक्र हो गए जिसमें डिटरमिनेंट, ये तभी बनेंगे जब उस सारणी के कोफिशियंट का डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ओके अब कुछ जनरल इक्वेशन और देख लेते हैं। तो एक हाथ वाली नेक्स्ट इक्वेशन है अपनी, जो पैराबोला होता है उसकी, मतलब परवलय की, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ये नोट कर लेना, आपको याद नहीं हो तो ये 12th वाले में भी पढ़ेंगे और ये अपने को याद करने हैं, ठीक है? इनके कोई भी मतलब ये बीच में कहीं पे भी आ जाता है और इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेता है, तो इसके इसके लिए ये याद होने चाहिए। ये अपने 12th का जो पोर्शन आएगा उसमें भी आएंगे, वहाँ पे याद करोगे, इससे अच्छा अपन इसको यही याद कर लें ताकि वो पढ़े तो इजी लगे अपने को। तो अपन पहले पढ़ते हैं परवलय, दो चार सेप पढ़ेंगे अपन इसमें, जो अपने लिए जो अपने ये तो मतलब पढ़ी हुई होंगी 12th के हिसाब से, 12th में थी ये तो। और कुछ सेप ऐसे पढ़ेंगे जो अपनी 12th में नहीं पढ़ी हुई, अपने बीएससी में काम आएंगी बार बार। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला या फिर परवलय, किसकी है? परवलय की समीकरण है, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। ओके अब इस समीकरण का अब देखो, इस समीकरण में जो पैराबोला उसका ये एक बंद आकृति नहीं होगी, खुली हुई आकृति रहेगी, ठीक है? और ये आकृति कैसे होगी? ये आकृति ऐसी होगी, ठीक है? ये यहाँ पे टच रहेगा, ये क्या बोलेंगे? इस पैराबोला का शीर्ष बोलेंगे इसको, वर्टेक्स या शीर्ष। और इसके निर्देशांक क्या रहेंगे हमेशा? ये पहले तो क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इधर वाला क्या है? एक्स एक्सिस। डन। तो ये हमेशा क्या होगा, इसको पैराबोला का शीर्ष बोलेंगे, परवलय का जो इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। दूसरी होगी पैराबोला की नाभि, जिसके निर्देशांक वो यहाँ पे रहेगी और जिसके निर्देशांक क्या होंगे? ए और 0, एक्स एक्सिस पे रहेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4x वाली। और ये ए वही है जो इस इक्वेशन में यहाँ वाला ए है। डन। और फिर इसकी नियता, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड रहेगी और एक्स इक्वल माइनस ए इसकी नियता की इक्वेशन रहेगी। डन। इस नाभिक के संगत ये इसकी नियता है, एक्स इक्वल नाभिक के निर्देशांक, मैं फिर से बता रही हूँ, ये इसकी क्या होगी? नाभि होगी, इसके निर्देशांक कौन है? ए और 0, और इसकी नियता है एक्स इक्वल माइनस ए। नेक्स्ट सेम इक्वेशन, मतलब ये तो किसकी इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। देखो यहाँ पे एक्स, मैं मेरा याद करने का तरीका शायद आपको पसंद आया नहीं आया, जो भी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स की 1 पावर है, एक्स की टर्म मतलब एक्स वाल एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? इसका ग्राफ बनेगा। ओके ये वाला बन रहा है एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग। डॉट वाला कुछ है क्या इसमें? चलो नहीं, ये वाला ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, और इसमें जो नाभि होगी उसका कोफिशियंट वही होगा जो इसके फॉर्म में ए होगा इक्वेशन में, और ए और 0 इसके वर्टेक्स नाभि के निर्देशांक होंगे, और इसकी नियतता एक्स इक्वल माइनस ए होगी। डन। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, इसके ग्राफ बनाते हैं। और इसका ग्राफ क्या हो? ये मैंने मान ली क्या?
इसका ग्राफ आएगा इधर माइनस एक्स पे। अच्छा डन। और यहाँ पे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसका क्या होगा, ये खुला रहेगा और ये इसके क्या हो गए, नाभि हो गए। और इसके निर्देशांक क्या आएंगे, माइनस ए कोमा जीरो, यहाँ पे शीर्ष हो गया, शीर्ष किस पे है इसका, मूल बिंदु पे, तो इसके निर्देशांक जीरो, और ये एक्स इक्वल ए इसकी क्या आ जाएगी, नियत आ जाएगी। डन। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। ओके, उसके बाद में ग्राफ पढ़ते हैं अपन किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए एक्स का, सॉरी फोर ए वाई और प्लस का फोर ए वाई और माइनस का फोर ए वाई। तो सबसे पहले ग्राफ पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई। तो यहाँ से क्या पता लगे अपने को, मतलब पहले तो ग्राफ डिनोट कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों का साथ में कर लेते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, साथ में इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई है, तो मतलब ये ऊपर ऊपर की तरफ आएगा। और ये नीचे की तरफ माइनस का निकाल रहे हैं ना। अरे यहाँ पे टच होते हैं, इधर इसकी नियता होगी, इधर इसकी नियता, इस नाभि की कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी नाभि क्या होगी, इसके नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, 0, ए। और इसके ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस फोर ए वाई का, इसकी नाभि किस पे होगी, वाई एक्सिस पे, जिसके निर्देशांक 0, माइनस ए। ओके, और इसके शेष के निर्देशांक 0, 0, इसके भी शेष के निर्देशांक 0, 0, ये क्या है, वाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इसकी नियता की जो वो क्या होगी, वाई इक्वल माइनस ए और इधर वाई इक्वल ए, इसकी नियता की समीकरण होगी। डन। अभी पढ़ते हैं दीर्घवृत्त। नेक्स्ट अपना जो कार्तीय निर्देशांक में जो वक्र है वो है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त और इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये दीर्घवृत्त की इक्वेशन होगी। अभी इसके इसका ग्राफ देखते हैं। ये दीर्घवृत्त का ग्राफ होता है ऐसे कुछ, ये क्या होती है, बंद आकृति होती है, इसमें इसकी दो नाभि होती हैं और प्रत्येक नाभि के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग क्या होती है, नियता होती है। इसके नाभि के मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये तो कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ए कोमा 0। यहाँ पे ए क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी, इसकी ये वाले इसकी क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ बोलते हैं, इधर ये सिर्फ क्या हो गया, यहाँ पे ये
इसकी जो होगी निर्देशांक को -1, 0 हो गया। ये इसकी नाभि, एक नाभि ये होती है जिसके निर्देशांक होते हैं AE,0। ये यहाँ पे उत्केंद्रता होती है, और ये दूसरी वाली नाभि होती है जिसके निर्देशांक -AE,0 होते हैं। ई की वैल्यू यहाँ पे ई होती है उत्केंद्रता, जिसकी वैल्यू होती है 1 - B² / A² यहाँ पे। ए तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो बड़े वाला होगा वो नीचे आएगा और जो छोटे वाला होगा वो ऊपर आएगा। देन यहाँ पे उत्केंद्रता होती है और इसके निर्देशांक हो गए। फिर उसके बाद में ये इसकी कोरेस्पॉन्डिंग नियता, और ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग, इस नाभि के कोरेस्पॉन्डिंग नियता ये है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे। इसकी वैल्यू x=A/E हो जाती है, और इसकी जो इक्वेशन होती है x=-A/E। मतलब इसमें क्या होती है, दो नियताएं होती हैं, और ये नियता ऐसा नहीं है कि ये इस ना ये नाभि फर्स्ट है, ये नाभि सेकेंड है, तो ये इसकी नियता ये ही होगी और इसकी नियता यही होगी। ओके डन। तो ये वक्र हैं जो 12th लेवल के आपने। अब अपन कुछ वो वाले वक्र पढ़ेंगे जो अपने धीरे धीरे आगे काम आएंगे। ओके तो इसमें अपना जो फर्स्ट वक्र रहेगा वो होगा केटनरी का। तो केटनरी की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन देखते हैं। केटनरी का समीकरण y=C cos hyper x/C, ये क्या होती है, नॉर्मल कैटेनरी होती है, सामान्य कैटेनरी। और एक कैटेनरी भी होती है, ये दोनों डिफरेंट होती है, ठीक है। जो ये वाली नॉर्मल कैटेनरी होती है उसमें एकांक लंबाई का भार पूरी कैटेनरी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या होता है, सेम मतलब कांस्टेंट बना रहता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता। पहले तो मैं कैटनरी को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैटनरी होती क्या है। देखो अपन देखिए प्रैक्टिकली, तो कैटनरी क्या होगी, एक कोई क्षितिज रेखा ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर अपन कपड़े बांधने के लिए जो वायर डालते हैं ना, वो क्षितिज लाइन होगी, ठीक है। फिर एक रस्सी ले लो, जैसे ये वायर है, ओके, जो अपन कपड़े सुखाते हैं वो वाली। फिर एक रस्सी लेते हैं, उस वायर पे एक रस्सी को यहाँ से और दूसरी रस्सी का सिरा यहाँ पे बांध देते हैं। तो ये जो ये वाली शेप बनती है ना, ये स्वतंत्र लटकी हुई रस्सी, इसी को क्या बोलते हैं, सामान्य कैटनरी बोलते हैं। इस पे अपन ने कुछ एक्स्ट्रा भार वार नहीं लटकाया, ओके, ये स्वतंत्र अपने आप में, ये वाला भार नहीं लटकाया इसमें अपन ने, ओके। तो इसी को क्या बोलते हैं, कैटनरी बोलते हैं। मतलब किसी क्षितिज रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, कोई क्षितिज रेखा इस पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किसी तार या फिर रस्सी को बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मतलब उसमें कोई क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा भार नहीं ऐड करें, तो वो क्या होगी, वही स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाली स्ट्रक्चर ही क्या होगी, कॉमन कैटनरी होगी, सामान्य कैटनरी होगी। डन। तो इसका ग्राफ देखते हैं, मतलब इनकी ग्राफ को ही याद रखना है अपने को, उसी से अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ी बहुत क्या आइडिया हो तो माइंड में, एक ग्राफ हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ग्राफ बनाते हैं, पहले ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। डन। अभी ये मैंने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ठीक है, ये क्या एक क्षैतिज रेखा है। अब इस क्षैतिज रेखा से मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से मैंने क्या किया, रस्सी बांध दी। ओके डन। तो ये क्या हुआ, कैटनरी बन गया है, ये क्या बनी, कैटनरी बन गई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके तो ये जो लंबाई होती है, ये यहां से यहां तक की, कौन से वाली, ये बिंदु से जो मूल बिंदु होता है, ये वाली डिस्टेंस ही क्या होती है, यहाँ पे सी होती है, और सी क्या होता है, यहाँ पे प्राचल होता है। डन। तो कैटनरी का इतना ही रोल था, कैटनरी को देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, रस्सी और
क्या बोलते हैं, कपड़े सुखाने वाला तार याद आना चाहिए। और अपने को पता है ये सी है, और ये सी कहाँ मिलेगा अपने को, वाई एक्सिस पे मिलेगा, इसके सिर से मूल बिंदु के बीच की दूरी, ये वाला सी कहाँ है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है मूल बिंदु से उसके सिर की दूरी। डन, नेक्स्ट अपन चलते हैं एस्ट्रॉइड पे। नेक्स्ट अपनी इक्वेशन आपने देखी होगी, नेक्स्ट वाली इक्वेशन लिखते ही मैं बता दूंगी इसको, एक्स्ट्रा मतलब आपको ध्यान में आ जाएगी। नेक्स्ट एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है, और ये क्या खुली हुई आकृति है ना, जैसे अपन ने दीर्घवृत्त पढ़ा वो बंद थी, पैराबोला पढ़ा वो खुली हुई आकृति थी, तो एस्ट्रॉइड क्या होती है, एक बंद आकृति होती है। इसका ग्राफ देखते हैं अपन। इसकी इक्वेशन 2/3 एक्स की पावर आई की पावर 2/3 इक्वल ए की पावर 2/3, ये इसकी इक्वेशन होती है जनरली। इसकी इक्वेशन से ही मतलब इससे एस्ट्रॉइड से भी अपने दो क्वेश्चन आए हुए हैं ओके आरपीएससी में। तो अपने को पहले ग्राफ तो देखें कि भाई इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ होता है ऐसा ऐसा, आपको ग्राफ का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है ओके। ऐसे नहीं हो कि अपने ग्राफ का स्ट्रक्चर ही ध्यान नहीं है बस, तो ये स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना है, जितनी ट्राई करो मतलब जितना मटेरियल अपन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे याद रखने की ट्राई करो, उसको याद रखना, यहाँ जितना हो गया उसको याद कर लो अच्छे से। ये भी एक बंद आकृति होती है, और इसकी आकृति ऐसी होती है नहीं, इसके जो ये वाले कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस हो गया एक्स और ये एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे इनके निर्देशांक होते हैं इसका 1,0, इसका -1,0, और इधर 0,-a और एक इधर 0,a, ये इसके निर्देशांक होते हैं। इसके लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। डन, नेक्स्ट अपनी मतलब ग्राफ देख रहे हैं, बेसिक बेसिक देख रहे हैं, और ये किसमें देख रहे हैं अपन, कार्तिक निर्देशांक में। नेक्स्ट वक्र है अपना फोलियम, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, x³ + y³ = 3ax(y). तो देखो जो अपन ने ये वाली पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन, इसमें तो पावर कितनी है 2/3, और कैटनरी की कितनी होती है सिंगल पावर का मतलब रैखिक है, और ये क्या है इसकी पावर घात कितनी 2/3 घात का, ये क्यूबिक का इक्वेशन है, मतलब जो फोलियम की समीकरण होती है वो क्यूब की होती है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है वो देखते हैं, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, ये वाई एक्सिस ले ली। डन, अब इसका ग्राफ बनाने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, कुछ दो पॉइंट डिनोट कर रही हूँ। पहले मैं ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ को ध्यान से देख लेना। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये लिया है मैंने ओके। मैंने एक लाइन खींची है जो इससे ओके गुजर रही है, इन दोनों पॉइंट से मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, तो जो समीकरण जो ग्राफ होता है वो येलो से डिनोट कर रही हूँ, येलो पेन जो येलो इंक है ना उससे ग्राफ बना रही हूँ। तो ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है ये क्या बनेगा पता नहीं, ये लोग कर दिया इतने, तो चलो वैसे ही बनाते हैं, मैंने बनाया हुआ था बाकी कुछ के तो मतलब याद आ गया होगा, ऐसे भी बना सकते हैं ना अपन।
और एक स्पर्शिका का इस पे जाएगी। ये होती है फोलियम का ग्राफ। ओके, जो येलो पेन से मैंने बनाया वो, इसमें ये क्या होता है, ये जो अपना मूल बिंदु है वो मूल बिंदु भी इसका मूल बिंदु से होकर भी गुजरेगा, क्योंकि अपने को पता है मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई करता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक रख के रखो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, इधर भी क्या मिला 0 3 xy की। इसका मतलब ये ग्राफ किससे होके जाएगा, मूल बिंदु से होके गुजरेगा। ओके, तो यहाँ से इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को कि ये जो देखो इस ये वाली एक लाइन मिल रही दिख रही है, जो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल 0, ये लाइन की इक्वेशन है, जो इसकी स्पर्श रेखा है। ये इधर जा रहा है ये ग्राफ है, ये इधर इसको अनंत पे स्पर्श कर रही है, डन। तो इसकी ये वाला क्या होता है, इसका लूप होता है और ये इसकी शाखा होती है। ये एक शाखा एक हो गई, ये दूसरी शाखा हो गई, तो इसकी दो शाखाएं होती हैं और एक लूप होता है, डन। और इसमें जो ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे इसको, तो इन दोनों को जो ये व्हाइट वाली लाइन है स्पर्श रेखा है, ये इसको एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करती है, -a,0 पे, और ये दोनों नेगेटिव 0, -a पे। तो मतलब अपने को कहाँ कहाँ मिल रहा है ग्राफ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके फर्स्ट में तो लूप है, सेकेंड और थर्ड में क्या है, शाखाएं हैं, बट फोर्थ में अपने को कुछ नहीं मिल रहा। ओके, दिख रहा है ना ये अच्छे से। तो ये किसका हो गया, इसमें क्वेश्चन आया था कि इसकी स्पर्श रेखा को, स्पर्श अंतर जो फोलियम है, क्वेश्चन दे रखी थी अपने को, इसकी अंतर स्पर्शी का समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो वो इसकी अंतर स्पर्शी ये है, अपन अंतःस्पर्शी पढ़ेंगे, अनंत स्पर्शी पढ़ेंगे आगे, तो अपने को इजीली पता लग जाएगा, डन। तो इसके ग्राफ से ही सीधा दिख रहा है कि भाई ये वाली लाइन इसको स्पर्श कर दिए, तो ये इसकी अंतःस्पर्शी होगी। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आई थी अति प्रबल है, एक और बच गई अपनी स्ट्रक्चर है वो। वो क्या है, आयतीय अति परवलय, या फिर इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। तो ग्राफ और देख लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो भी प्राचलिक निर्देशांक होंगे वो करेंगे। तब तो नेक्स्ट अपना है टॉपिक आयतीय अति परवलय, इसको ध्यान से देख लो, कहीं मतलब एडिटिंग में आई थिंक कि क्रॉप वगैरह ना हो जाए। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा अभी है आयतीय अति परवलय। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसकी दो इक्वेशन होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन होती है, दो होती है। फर्स्ट इक्वेशन है इसकी एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, इसी में एक्स वाई ए इक्वल बी रख देंगे तो ये वाली इक्वेशन अपने को मिलती है, ठीक है। तो पहले इसकी ग्राफ देखते हैं, और ये दूसरी क्या होती है, एक्स वाई इक्वल सी। पहले इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, इधर ये टच करके, टच नहीं करेगा, टच क्यों कर रहा है तू, ओके ये इसका ग्राफ हो गया। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
ये एक्स एक्स वाई एंड वाई, और ये इसका ग्राफ है, कौन से वाले का, इसका। तो ये वाली एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर समीकरण है, इसका ग्राफ कौन सा है, ये वाला। डन। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, जो अनंत स्पर्शी है, मतलब इस ग्राफ को अनंत पर कौन सी, ये एक तो ये वाली एक्स एक्सिस स्पर्श कर रही है इधर भी और इधर भी, और वाई एक्सिस इधर कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे वाई एक्सिस कर रही है। तो इसकी खुद की जो अपनी एक्सिस है, निर्देशी एक्सिस है, वही इसकी क्या है, अनंत स्पर्शी है, कौन से की, इसकी एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसको डिटेल्स में भी पढ़ेंगे अपन अच्छे से आगे, पहले इसका बेसिक बेसिक, क्योंकि ये वाली वक्र अपने बार बार आएंगे। और यदि मैं इसी को क्या कर दूं, ये जो वक्र है इसी को मैं 45 डिग्री, देखो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, रोटेट होगा वो, नहीं ये रोटेट नहीं होगा शायद, ये वक्र यदि मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, मतलब रोटेट करने का मतलब है मेरा इसको 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री, इसको आप पे मतलब ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे रख के देख लेना, जिस नोटबुक में बनाओ, तो वही सेम किसका वक्र, किसका ग्राफ बनेगा, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अपने जो यूज में आने वाले थे वो अपन ने कर लिए, और बाकी मतलब अपने को नॉर्मल नॉर्मल देखा है कि भाई इसके ग्राफ कैसे हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्राचलिक निर्देशांकों में वक्र, दूसरा है, पहला अपन ने पढ़ा कार्तीय निर्देशांकों में वक्र, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं प्राचलिक निर्देशांकों में वक्र। प्राचलिक निर्देशांकों में वक्र कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले अपने को पता है मतलब प्राचलिक ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वो एक्स वक्र की समीकरण होती है, वो एक्स वाई इक्वल सी होती है, एफ एक्स वाई इक्वल सी। तो इसमें जो एक्स है वो किसका, किसी प्राचल का फंक्शन होगा, और वाई जो होगा वो भी किसी प्राचल का फंक्शन होगा, मतलब बट ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ये फंक्शन अलग होगा, ये फंक्शन अलग होगा, बट ये एक वेरिएबल में होंगे, किसमें, टी में। तो यहाँ से अपन किसी भी फंक्शन की टी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा, वापस एक्स वाई में हो जाएगा। टी यहाँ पे क्या होगा, प्राचल होगा, पैरामीटर होगा, इसलिए इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन या फिर प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, देखो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, मेरे को पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये किसकी होती है, वक्र वृत्त की इक्वेशन होती है, जिसका अभी अभी मैंने बताया था, जिसका केंद्र 0 0 त्रिज्या ए स्क्वायर ए होती है। देन तो एक्स इक्वल ए कोस टी एंड वाई इक्वल ए साइन टी, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन इस ऊपर वाले की क्या है, प्राचलिक समीकरण है, और किसमें है, ये टी में है, राइट। इसी वक्र का प्राचलिक रूप क्या है, ये मतलब इस वक्र को अपन इस टाइप पे भी लिख सकते हैं, और अपने पास ये आएंगे क्वेश्चंस में, ये वाली ना देखे आपको ये वाली इक्वेशन देखेगा और फिर आगे क्वेश्चन की कंडीशन बताएगा, तो अपने को पता हो कि ये इसी का फॉर्म है, तो अपन इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं ना, क्वेश्चन ग्राफ के बारे में पूछता है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये अपन ने किसका पैराबोला का कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ग्राफ देखा था, और इसकी प्राचलिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल ए कोस टी वाई इक्वल बी साइन टी, इसमें तो ए ए आया था और इसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है। फिर इसमें देखो यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे भी ए, ये ब्रेथ वाली में, और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है और बी आ रहा है, रख के देखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको,
एक्स की जगह ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर हो जाएगा जो वन हो जाएंगे। तो ये जो इस इक्वेशन का प्राचलिक रूप है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हाइपरबोला का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वन। तो ये एक्स बराबर ए सेक टी, वाई बराबर बी टेन टी, क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। साइन सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? वन होता है। तो यहाँ से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये प्राचलिक हो गया। और इसकी यदि एक्स बराबर एक्स की जगह में ए कोस हाइपर टी और वाई बराबर बी साइन हाइपर टी रखूं तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। डन। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई जो हाइपरबोला होता है उसकी दो प्राचलिक समीकरण मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन दे रखी है, यदि कार्टेशियन किसी भी वक्र की प्राचलिक समीकरण या फिर इसकी प्राचलिक समीकरण या फिर क्या है प्राचलिक समीकरण, उसकी अद्वितीय नहीं होती, दो या तीन या कितनी भी हो सकती है बट यूनिक नहीं होती। डन। तो यहाँ से अपने को क्या पॉइंट मिला? जो वक्र होता है, वक्र का प्राचलिक रूप कभी भी अद्वितीय नहीं होता, या फिर अद्वितीय नहीं होता कभी भी। तो क्या किसी की एक मिल जाए रूप? अपन जनरली सबके लिए बात कर रहे हैं, अद्वितीय नहीं होता है। ओके। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, वाई स्क्वायर कर्व फोर एक्स, ये क्या होता है? परवलय होता है, अपन ने देखा है। ठीक है, इसकी एक प्राचलिक समीकरण, यदि मैं ए की जगह एक्स की जगह ए टी स्क्वायर रखूं तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? टू ए टी, राइट। तो ये इसकी क्या होगी? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। यदि मैं या फिर क्या रखूँ, एक्स की जगह ए टी की पावर फोर रखूँ तो मुझे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? टू ए टी की पावर फोर टू, राइट। यदि मैं एक्स की जगह क्या रखूँ, ए टी रखूँ तो मुझे वाई की जगह क्या मिलेगा? टू ए अंडर रूट टी। मतलब क्या, यहाँ पे देखो इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले में टी स्क्वायर रखा तो मुझे इसकी हाफ पावर मिली, टी फोर रखा तो इसकी हाफ पावर मिली, इधर ये रखा तो इसकी हाफ पावर मिली। मतलब ये इसकी सारी क्या है, ये सेटिस्फाई कर रही है, इसकी सारी प्राचलिक समीकरण है। डन। तो यहाँ से अपने को क्या ही पता लग रहा है कि भाई प्राचलिक समीकरण कभी भी क्या नहीं होती, यूनिक नहीं होती। अब एक चक्र जो और बच गया अपना, साइक्लोइड। तो पहले चक्रज को पढ़ते हैं। जो साइक्लोइड की इक्वेशन होती है वो भी अपने बार बार काम में आएगी। तो नया टॉपिक है अपना, नेक्स्ट है अपना ग्राफ किसका? साइक्लोइड का, या फिर इसको क्या बोलते हैं, चक्रज बोलते हैं। इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल ए थीटा प्लस साइन थीटा, और बी वाई इक्वल क्या होता है, ए वन माइनस कोस ऑफ थीटा। ये इसकी प्राचलिक इक्वेशन होती है, याद रख लेना। एक्स इक्वल क्या होता है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई इक्वल क्या होता है, ए वन माइनस कोस ऑफ थीटा। डन। तो ये इसकी प्राचलिक इक्वेशन होती है। अब चक्रज का जो ग्राफ बनता कैसे है, सबसे पहले ग्राफ कैसे बनता है कि अपन इसको जनरली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो कोई बस का टायर है, उसके अपन क्या करें, उस टायर के एक जगह पे निशान बना देते हैं जैसे यहाँ पे, और फिर वो टायर घूमेगा। ठीक है, तो वो टायर नेक्स्ट मोमेंट कहाँ जाएगा? ये निशान इधर जाएगा, मतलब यहाँ से। फिर उससे नेक्स्ट मोमेंट कहाँ जाएगा? वो टायर का निशान यहाँ पे जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट मोमेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। फिर उससे नेक्स्ट वाले में कहाँ जाएगा? यहाँ पे। उससे नेक्स्ट वाले में वापस यहाँ पे। तो मतलब ये यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये जो निशान है ये वाली ग्राफ फॉलो कर रहा है ना, फिर वापस ये वाला यहाँ पे, मतलब ऐसा ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा है।
तो चक्रज की जो इक्वेशन होती है, ग्राफ होता है, वो ऐसे ही होता है। ओके आप प्रैक्टिकल करके देख रहे ना, मैं इसका ग्राफ डिनोट कर देती हूँ। जो बिंदु P है उसका बिंदुपथ क्या होगा, चक्रज का इक्वेशन होगा, सॉरी चक्रज का ग्राफ होगा, ये लाइन होगी। बट ये नीचे थोड़ी ना जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे तो जाएगा नहीं, मतलब तल पे ही घूमेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका ग्राफ है। ऐसे ऐसे आएगा इसका ग्राफ। ओके इधर भी आएगा, चलो इधर इतना ही बनाते हैं। ओके तो आज के लिए इतना ही, कल आगे का टॉपिक स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं, पर अभी के लिए बाय।